बता देते हैं कि इंडिया में महंगा है इंटरनेट या यहाँ पे। सो भाई यहाँ पे इंटरनेट जो है वो, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जॉर्डन में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि सिम कार्ड आपको देती हैं, सिम कार्ड और वाईफाई, वाईफाई राउटर, ठीक है, ये सारा कुछ कि आप किन किन तरीकों से ले सकते हैं, कौन कौन से प्लान होते हैं, कैसा क्या सिस्टम है यहाँ का जो टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है, वो सारा कुछ बताएंगे। जैसे अपने वहाँ पे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, अभी तो वीआई हो गया है वोडाफोन का, ठीक है, ये सारा जैसे अपने वहाँ पे अभी क्या है इस टाइम पे जो प्लान होता है, अगर आप जियो का है या आपका एयरटेल का है तो 84 दिन का, तो यहाँ पे कैसा क्या सिस्टम है इंटरनेट का और कॉलिंग का, सारा कुछ बताऊंगा। और जब आप आते हो सो वो आप कैसे ले सकते हो, आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत से सब्सक्राइबर भाइयों को पता होगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो लोग इंडिया से जॉर्डन नए आ रहे हैं, चाहे फिर वो घूमने आ रहे हों और चाहे फिर वो काम करने के लिए आ रहे हैं जॉर्डन, ठीक है, वर्क वीजे पे, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। सो दोस्तों सब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जॉर्डन में रहते रहते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, सो उसके उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को प्रॉपर जानकारी जो है वो दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में, अपने यहाँ इंडिया में जियो है, एयरटेल है और वीआई है, ठीक है, हमारे साइड तो यही चलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, ठीक है, एक है ऑरेंज और एक है ओमनिया और एक है जैन, ये तीन कंपनियाँ हैं, जैन, ओमनिया, ऑरेंज, ठीक है, जो आपको सिम कार्ड वगैरह और इंटरनेट वगैरह देती हैं, ठीक है। सो इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि साथ साथ में आपको इंटरनेट यहाँ पे किस कंपनी का सबसे बेस्ट आता है, ठीक है। सो ये हो गई इंटरनेट की तीन कंपनियां हैं जो कि सिम कार्ड आपको देती हैं, ठीक है। आप बता देते हैं आप लोगों को कि जो वाईफाई राउटर होता है, जैसे हमारा राउटर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं कौन सा वाईफाई राउटर यूज करता हूँ और कौन सा सिम कार्ड यूज करता हूँ, ये भी बताऊंगा साथ में। सो ओमनिया और ऑरेंज और जेन, ये तीन कंपनियां आपको वाईफाई भी देती हैं जो राउटर होता है, ठीक है। राउटर दो टाइप्स के होते हैं, एक आता है छोटा राउटर, अभी वो मेरे पास छोटा राउटर, एक मिनट में आपको छोटा राउटर भी दिखाता हूँ, बड़ा भी दिखाता हूँ। सो दोस्तों जो मैं राउटर यूज करता हूँ, सो मैं यूज करता हूँ ओमनिया का, ठीक है, मेरे साइड जो है ओमनिया का इंटरनेट अच्छा चलता है। सो एक राउटर ये है, ये छोटा राउटर है, ठीक है, ये, और एक ये हमारा बड़ा राउटर है, देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर आपको दिख पा रहा हो, ये हमारा जो है बड़ा राउटर है, ठीक है, ये चालू है भी। सो बस ये लाइट से चलता है, ये पिन जो है ये चार्जिंग वाला पिन है, ठीक है, नीचे बोर्ड में लगा हुआ है, इसको निकाल देंगे राउटर बंद हो जाएगा, इसको लगा देंगे राउटर चालू हो जाएगा। और ये क्या है, ये बैटरी से चलता है, इसके अंदर बैटरी है, मोबाइल वाला छोटा सा बैटरी है। सो इसमें ये चलता है, इसे हम बाहर लेकर के कहीं भी लेकर के जा सकते हैं छोटे वाले को। सो अब इसकी मैं आपको रिचार्ज वगैरह की बात बता देता हूँ, जो मैं इन ये दोनों राउटर में मैं रिचार्ज करवाता हूँ 22 JD कुछ पैसे का पर मंथ, ठीक है, 22 JD कुछ पैसे का पर मंथ होता है इसमें। और ये जो बड़ा वाला राउटर है हमारा, इसमें आता है 2000 GB इंटरनेट, एक महीने के लिए आप 2000 GB तक यूज कर लो, अगर आप नहीं यूज कर पाते हो 2000 GB, सो ये आने वाली 1 तारीख को फिर ऑटोमेटिकली कट करके नया इसमें जो है इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और जो छोटा राउटर है उसमें 100 GB हमें मिलता है, यानी छोटे वाले में 100 GB मिलता है और बड़े वाले में 2000 GB मिलता है। टोटल इसका हमें जो चार्ज देना पड़ता है महीने का, वो हमें 22 JD 5 या 10 पैसे लगता है, ठीक है। ये हो गई ओमनिया राउटर की बात, ठीक है। आपको ऑरेंज, हाँ रेट में सबके फर्क हो जाएगा, मैं ऑरेंज यूज नहीं करता हूँ तो मुझे ऑरेंज का रेट नहीं पता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसे ले कहाँ कहाँ से सकते हो। सो ये जो आप जिस भी कंपनी का लेना चाहते हो, मान लीजिए ऑरेंज का लेना है तो आपको ऑरेंज का जो यहाँ पे कस्टमर केयर का सर्विस सेंटर होगा,
वहां पे जाइए, या उमनिया का लेना है तो जो उमनिया का सर्विस सेंटर होगा वहां पे जाइए, वहां से ले सकते हैं। नहीं तो आपके मार्केट में देखिए जो बड़ी बड़ी मोबाइल वाली शॉप्स होंगी वहां पे वो लोग रखे रहते हैं, उनको बोलिए हमें उमनिया का राउटर चाहिए, या फिर उनको बोलिए हमें उमनिया का राउटर चाहिए, वो दे देंगे। या फिर आप इनका फेसबुक पेज भी है, आप उस पे फेसबुक पेज पे जा करके उन्हें कॉल करिए और वो खुद आ करके, आप एड्रेस दीजिए, वो खुद आ करके आपको दे जाएंगे, चाहे फिर ओमनिया का हो और चाहे ऑरेंज का हो चाहे जैन का हो। लेकिन ये जब राउटर आप लेते हो ना, सो इसमें क्या होता है, वो लोग 4 GB इंटरनेट यूज करने के लिए फ्री ट्रायल के लिए देते हैं कि आपके एरिया में इंटरनेट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। 4 GB मुझे मिला था कि आप देख लीजिए चला के आपके एरिया में इंटरनेट जो है सही चल रहा है, तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो 4 GB खत्म करने से पहले रिटर्न कर जाना, आप 1 दिन यूज कर लो, 2 दिन यूज कर लो, ठीक है। ये हो गई इसकी राउटर की बात। सो अब बता देते हैं यहाँ पे जो सिम कार्ड वगैरह है उसका क्या सिस्टम है, ठीक है। आप सिम कार्ड कैसे ले सकते हैं और उसमें रिचार्ज कौन कौन से आते हैं, क्या क्या प्लान होते हैं, ठीक है। सो इसमें भी मैं बता देता हूँ आप इसे कैसे ले सकते हैं, इसमें क्या मतलब आईडी क्या लगेगी। सो आप इसे ले सकते हैं तो आपका जो तसरिया कामा होता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक जरूरी बात आप लोगों को मैं बताना भूल गया, ये जब आप राउटर लेते हो तो इसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, कि एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि आप 2 साल के लिए ले रहे हो या 1 साल के लिए। मान लीजिए आपने 2 साल के लिए वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, 1 साल के लिए लिया है वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। हाँ, 1 साल तक फिर आपको रिचार्ज करवाना रहेगा, अगर आपने 2 साल के लिए लिया है तो 2 साल तक आपको कंटिन्यू हर महीने रिचार्ज करवाना। सो समझ के लीजिएगा, जैसा आपका इंटरनेट यूज हो उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड की। सो देखो सिम कार्ड का सिस्टम यहाँ पे एरिया वाइज के हिसाब से, जो मुझे लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिम कार्ड चलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट देते हैं, आपको ना कॉलिंग ना कुछ भी नहीं, आप जॉर्डन में भी कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटरनेट आता है। जो मुझे पता है एक सिम कार्ड शायद 3 महीने के लिए आता है, उसमें 200 या 300 GB आता है, ऑरेंज का है वो 18 या 20 GB का मिलता है। मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं एक ओमनिया का राउटर ही यूज करता हूँ और ओमनिया का ही सिम कार्ड यूज करता हूँ। जो मैं सिम कार्ड यूज करता हूँ वो है हमारा ओमनिया का, ठीक है। उसका जो प्लान है, उसका प्लान जो है मेरे सिम कार्ड का, उसमें मैं हर महीने 12.5 GB का रिचार्ज करवाता हूँ। उसमें मुझे 150 इंडिया का मिनट मिलता है और 35 GB इंटरनेट मिलता है, ठीक है। कुछ सिम कार्ड ऐसे हैं जो कि अपना इंडिया के भी 200-300 मिनट देते हैं, 500 मिनट तक देते हैं, लेकिन जो 500 मिनट देते हैं सो उनका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, ठीक है। ये जब मैंने ये वाला सिम कार्ड लिया था, ये मुझे 15 GB का मिला था, 15 GB का मिला था, इसमें रिचार्ज वगैरह, इसमें मुझे 150 मिनट मिले थे। और जॉर्डन के लिए आप किसी भी, चाहे ओमनिया टू ओमनिया करें या ओमनिया टू ऑरेंज या ओमनिया टू जैन, कॉल जो है फ्री है, ठीक है, 1 महीने के लिए होता है। और अपना क्या बोलते हैं, इसमें 35 GB में इंटरनेट मिला था। सो ऐसे ही होता है, कुछ में बिना इंटरनेट, सॉरी, कुछ में आता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट आता है कुछ सिम कार्ड में, और कुछ सिम कार्ड ऐसे होते हैं जो कि जॉर्डन के अंदर आप कॉल कर सकते हो, 5-10 GB इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। और कुछ सिम कार्ड ऐसे होते हैं कि उसमें अपना दोनों आपको जो जॉर्डन के लिए कॉल करने के लिए मिलेगा और सिम का इंटरनेट भी मिलेगा, ठीक है। कुछ सिम कार्ड ऐसे होते हैं जो कि आप जॉर्डन भी कॉल कर सकते हो, इंडिया भी कॉल कर सकते हो और जो है कि उसमें इंटरनेट में मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन उन सिम कार्डों की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी महंगी होती है, और जो इंडिया कॉल दर होती है, सो मैं जो इससे पहले मैं सिम कार्ड यूज करता था, ठीक है, काफ़ी पुराना मेरा सिम कार्ड था, सो उस सिम कार्ड में मुझे 1 GB का रिचार्ज मैं करवाता था और उससे इंडिया जब कॉल करता था अपने घर पे, तो मुझे 33 मिनट बात होती थी, मेरी 33 मिनट बात होती थी। लेकिन उस सिम कार्ड में मैंने टैरिफ करवाया था, ठीक है, तब होती थी 33 मिनट, और कुछ लोग बताने वाले तो कहते हैं कि भाई 5 से 10 मिनट ही बात होती थी 1 GB में। और 1 GB का जो टॉपअप होता है, जो रिचार्ज कूपन होता है, वो आपको यहाँ पे आप किसी भी शॉप पे लेने जाओगे तो 1 GB 85 या 75 पैसे का मिलेगा। वही चीज अगर जो ओमनिया के जो मशीन वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है, ओमनिया के सेंटर सर्विस सेंटर में आप लेते हो कस्टमर, ठीक है, सो वहां पे 1.5 GB का पड़ता है। सो अब आप लोगों को बताते हैं सिम कार्ड आप ले कैसे सकते हैं।
सिम कार्ड लेने के लिए आप जैसे अपने इंडिया में किसी भी शॉप पे चले जाओ, मोबाइल शॉप पे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपके पास आईडी होना चाहिए, आईडी में या आपका अकामा तसरिया हो वो दे दीजिए, उससे मिल जाएगा, या फिर आपका पासपोर्ट हो उससे मिल जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ बता देते हैं कि इंडिया में महंगा है इंटरनेट या यहाँ पे। सो भाई यहाँ पे इंटरनेट जो है वो काफ़ी महंगा है। इंडिया में क्या है, इंडिया में अपना किसी भी कंपनी का सिम कार्ड ले लो, 84 दिन का 1.5 GB पर डे मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिम कार्ड में यूज करते हो ना तो काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी महंगा है, और दोस्तों यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंटरनेट और सिम कार्ड जो भी लेते हैं, सिम कार्ड या राउटर, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा। आप जब भी आते हो यहाँ पे पहले आप देखिएगा कि आपकी कितना आप खर्चा करते हैं इंटरनेट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास काफ़ी यूज है तो आप डायरेक्ट सीधा राउटर ले लें, वो आपको सस्ता मिलेगा। और राउटर में ऐसा नहीं कि आपको ये दोनों राउटर लेने, आप ये वाला भी, छोटा वाला भी राउटर ले सकते हैं एक, या बड़ा वाला, बड़े वाला अगर लेते हैं तो दोनों मिलेंगे। अगर आपको छोटा लेना है तो छोटा अलग से मिल जाता है, उसकी कॉस्ट जो कम होती है उसका। मैं अब जब भी जिस भी कंपनी का लेते हैं सो आप वहाँ पर बात करके प्रॉपर ले लीजिएगा, आपको मिल जाता है लेकिन, ठीक है। और अगर आप सोचो कि सिम कार्ड से मैं यूज करूं तो फिर आपको इंटरनेट सोच सोच के यूज करना पड़ेगा, या तो फिर आप इतना चलाते नहीं हो। सो हम तो, हमारा जो यूज है महीने का, इसमें हमारा 22 GB जाता है, और जो हम, जो हमारा सिम कार्ड है उसमें भी 35 GB होता है। सो कभी कभी फ़ोन का मेरे ख़त्म हो जाता है भाई, जब मैं फ़ोन का तब मैं यूज करता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ तब। सो दोस्तों ये थी थोड़ी मोटी जानकारी जो हमने आप लोगों के साथ में शेयर की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। सो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नई जानकारी के साथ।